नमस्कार बच्चों, आरसीआई एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कारक। क्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम पढ़ेंगे कारक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कारक है। और जैसे कारक की परिभाषा, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर किससे, क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कि भाई किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त जो अन्य पद हैं विशेषकर क्रिया है उसके साथ जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जिसके द्वारा जाना जाता है वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक के भेद, किन कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं। कितने? 8 का। हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं तथा प्रत्येक कारक का एक विभक्ति चिन्ह होता है और उस विभक्ति चिन्ह को क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछ भी ले कि परसर्ग क्या होते हैं तो आपको हिचकिचाना नहीं है कि जो कारक के विभक्ति चिन्ह हैं उनको क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। और इनका स्वरूप किस प्रकार है? इस प्रकार देखो, कारक और इनके विभक्ति चिन्ह समेत मैंने 8 कारक लिख रखे हैं। देखो, कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? ने। कर्म कारक का को, करण का से, संप्रदान का के लिए या हो, आपादान से यानी कि इसका से होता है लेकिन अलग होने के लिए, जैसे पेड़ से, जिसका जो अपादान है इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से होता है लेकिन ये किसके लिए होता है? अलग होने के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ अगर किसी दूसरी चीज से अलग हो रही है तो उसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। संबंध का, के की, रा, रे, री, यानी कि एक दूसरे से संबंध बताना। अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ, अजी, यानी कि संबोधन क्या होता है? हम किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, तो वो क्या होता है? संबोधन कारक होता है। इसी प्रकार हमने इन 8 के रूप इनके पढ़ लिए हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, करण कारक क्या होता है। इस प्रकार पहला हमारा है कर्ता कारक। कि भाई कर्ता कारक कहते किसको है, ये किस प्रकार इसकी पहचान होती है? पहला है कर्ता कारक। वैसे तो आपको पता होगा कर्ता किसको कहते हैं, जो कार्य करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो जो कार्य को करने वाला होता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। क्रिया करने वालों को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जो कार्य को करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और जो कर्ता कारक होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा होता है या तो या सर्वनाम। और जो इसकी विभक्ति चिन्ह है क्या? ने। उसका संबंध हमेशा कौन सी क्रिया से होता है? सकर्मक क्रिया से ही होता है।
क्रिया से उसका संबंध होता है और उसका जो विभक्ति चिन्ह है और इसकी जो विभक्ति है उसका किसका होता है, विभक्ति का प्रयोग हमेशा सकर्म क्रिया के साथ ही होता है। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है, जैसे राधा ने नृत्य किया, यानी कि राधा ने क्या किया, नृत्य किया। दूसरा जैसे श्याम ने पत्र लिखा, तो इस प्रकार जो इसकी ने विभक्ति है, ये इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, इसका जो प्रयोग होता है वो हमेशा किसके साथ होता है, सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। दूसरा है कर्म कर, क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल जिस कारक पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। क्योंकि जो क्रिया होती है उसका फल किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है, यानी कि क्रिया का फल जिस कारक पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। अब इसी में देख लो, राधा ने नृत्य किया, तो नृत्य किसने किया, राधा ने, ठीक है, क्या किया, नृत्य किया। जैसे और इसकी जो विभक्ति होती है, सॉरी एक थोड़ा सोर रहेगा इसमें, इसकी विभक्ति क्या होती है भाई, को हमेशा किसके साथ होता है, सजीव जो कारक होते हैं उसी के साथ होता है। सजीव कर्म कारक के साथ होता है। जैसे मालिक ने नौकर को बुलाया, ठीक, मीना ने गीता को पुस्तक दी, तो इसमें क्या हो गया, कर्म कारक भी, मालिक ने नौकर को बुलाया, मालिक ने किसको बुलाया, नौकर को बुलाया, और मीना ने पुस्तक किसको दी, गीता को दी। तो कर्ता कारक क्या होता है, क्रिया करने वाला क्या होता है, कर्ता कारक होता है, और कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम ही होता है, तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग हमेशा किसके साथ, और सकर्म क्रिया के साथ ही
होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और कर्म कारक क्रिया का फल जिस कारक पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। और इसी विभक्ति को का प्रयोग हमेशा सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है। ठीक है, हमारे कारक के 8 जो हमने उसकी विभक्ति समेत पढ़ लिए थे, आज कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, और बाकी जो कारक है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।